ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ऐसे जी, सबसे पहला तो मैं गांव वासियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पहले 3 दफा मेरे पे विश्वास जताया और मुझे वोट डाली, और अब फिर 4थी दफा लोगों की कचहरी में अपने जो भी मुद्दे हैं वो लेके लोगों के पास जा रहा हूं, और लोगों के पास से हुंगारा मिल रहा है, बड़ा अच्छा हुंगारा मिल रहा है। लेकिन सिंह साहब, बात ऐसे है कि 4 कैंडिडेट हैं हम, जिनमें से 3 कैंडिडेट नए हैं जो पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए बड़ा आसान है, वो जाएंगे गांव में, वो कह सकते हैं भी मैं आपका ये काम कराऊंगा, ये काम कराऊंगा, आपकी गली बनवाऊंगा, आपका राशन कार्ड बनवाऊंगा, कुछ भी वादा आराम से कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ वो नहीं है, मेरे साथ लोगों को मैंने जवाब भी देने हैं, जो काम रह गए हैं उनके बारे में भी बताना है, क्यों रह गए हैं और क्यों नहीं हुए। और मैं लोगों से वादा करता हूं, अगर मुझे आइंदा मौका देते हैं तो जो बकाया काम है वो मैं लोगों के पूरे करूंगा, गांव वासियों के सारे वादे पूरे करो। जैसा आपने चौपाल बनाई, उसके अलावा सीवरेज डाला, निकासी करवा हाँ जी, दी, हाँ जी, हाँ जी, क्या लगता है, क्या लगता है कि और कौन कौन से काम है, क्या कारण है, क्यों रह गए यहाँ पर? ऐसे है सिंह साहब, जो सीवरेज जो काम है वो तो एक सरपंच की ड्यूटी होती है, वो मस्तान सिंह ने नहीं करवाए, वो एक संवैधानिक पोस्ट है सरपंच, वो सरपंच ने कराए होते हैं, उसका पर्सनल इंडिविजुअल कोई श्रेय नहीं ले सकता, ना ही मैं उसका श्रेय लूंगा। वो तो मेरा काम था कामों को आइडेंटिफाई करके एक मास्टर प्लान तैयार करके सरकार के पास देना, और जो जो सरकार को ठीक लगे, जो जो बजट में आए वो उन्होंने करवाए। उनमें सबसे पहले तो पशु चिकित्सालय है, पशुओं का हॉस्पिटल है जिसकी बहुत ज्यादा वो थी, एक कम्युनिटी सेंटर है वो सरकार ने पास करके बनाया, और हमारे यहाँ मुस्लिम भाईचारा है उनका एक कब्रिस्तान है जो ऐसे ही खुला पड़ा था, उसकी 4 दीवारी भी यही हुई है। और एक हमारे रामगढ़िया सिख है, सरदार जी हैं जी, उनका ना शमशान घाट अलग है, उसकी 2-3 किले की लंबाई है, वो उसका रास्ता भी पक्का सरकार द्वारा कराया गया है। और यहाँ एक ऐसी चौपाल भी बनाई गई है, बाकी गलिये नालिये, एक पानी का निकासी का मामला है हमारे यहाँ जी, वो उधर से एक नाला आता है तन्योड़ी वाला गोहर बोलते हैं उसको, लाला वाला गोहर बोलते हैं, तन्योड़ी जाता है वही, वहां से नाला लेके यहाँ गऊ चरांद है हमारे, गऊ चरांद तक अवेलेबल था वो, मैंने सीवरेज ला लो, नाला लगा लो, उसके थ्रू यहाँ पे पानी लेके मैं आ गया। और अब आगे सरकार को डिमांड है कि उससे उठ के गंदा नाला पड़ता है जी बिगो मदिरा, वहां तक उसका पानी जाए तो हमारे